पदयात्रा का मुद्दा क्या है? आज गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती पर पूरे देश में भारतीय जातीय कांग्रेस का पैदल यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। नवापड़ा जिला कांग्रेस कमेटी आज इस यात्रा को गांधी जी का एक अहिंसात्मक संघर्ष में इसको परिवर्तन किया है। यहाँ के लोगों की ज़रूरतें, खास करके महिलाओं के प्रति जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस पर आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं। इस सरकार की छत्रछाया में केंद्र और राज्य सरकार का कई बलात्कार हुआ है, लेकिन उस पर जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रहा है। जवाबदेही शासन नहीं है। ये पश्चिम ओडिशा और केबी के अंचल को हमेशा अवहेलना किया गया है। इसलिए आंचलिक विषमता बहुत जोर से तेज़ी से बढ़ा है। जिस रास्ते पे हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, आपने इस रास्ते का हालत देखा, कितना नेशनल हाईवे कितना बुरा है। नयापड़ा से लेकर के खड़ियाल तक इसकी हालत बदतर है। यहाँ 2 घंटा लग जाता है, जबकि इसका 40 किलोमीटर की रास्ता लोग कितना मुश्किल से इस रास्ते में आते हैं। कई बार आंदोलन हुआ लेकिन उसका नतीजा का हल नहीं हुआ, और इसलिए हम चाहते हैं इसको 2 महीने में ठीक किया जाए। केबी के अंचल का जो अनुदान आता था भारत सरकार से, BRZF हो या केबी के फंड हो या आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाओं का उन्नयन का जितना वेलफेयर प्रोजेक्ट है, ये सारा प्रोजेक्ट अभी बंद है और पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए इसका विकास हो नहीं पा रहा है। यहाँ 35 किलो चावल मिलता था, यहाँ केबी के लिए अलग मापदंड था, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए केबीओ का जैसे केबी के कंधमाल का जो समस्या है वो गोरखालैंड जैसे समस्या है। यहाँ का लोगों की आदिवासी का विकास होना बहुत अत्यंत ज़रूरी है। जो उड़ीसा के कोस्टल एरिया है और हमारे बगल के राज्यों के इलाके में जैसे विकास हुआ है, उस तरह के विकास केबीके अंचल में, कंधमाल अंचल में होने की आवश्यकता है। इसलिए हम मांग करते हैं एक ऑटोनोमस काउंसिल जो संविधान में प्रावधान है उसकी तरह इसको किया जाए, केबीके कंधमाल को। और पश्चिम उड़ीसा का हमेशा कोस्टल राज्य की मांग चल रहा है, क्योंकि रीजनल इम्बेलेंस बहुत हद तक है। बार बार कहने के बाद पिछले 25-30 साल से लड़ाई चल रहा है, जिस तरह से तेलंगाना राज्य बना, जिस तरह से छत्तीसगढ़ बना, जिस तरह से झारखंड बना या उत्तराखंड बना, और आज विदर्भ भी मांग हो रहा है। विदर्भ में तो एक विधानसभा कम से कम नागपुर में होता है। इस तरह से हम चाहते हैं कि अलग राज्य का मांग और व्यापक स्वरूप नहीं ले, महाकोशल नहीं बने और अलग राज्य नहीं हो। अगर इस तरह से ये रीजनल इम्बेलेंस रहेगा तो अलग राज्य का कोशल राज्य को कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। इसे हम चाहते हैं एक मिनी कैपिटल पश्चिम ओडिशा के किसी भी केंद्र जगह पर किया जाए, ताकि रीजनल इम्बेलेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें तेज़ी आए और यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी बढ़े, और यहाँ के लोगों में बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादन के सारे क्षेत्रों में विकास तेज़ी से आए। इसके लिए पदयात्रा हो रहा है। हम 2 अक्टूबर को सुना कि देश के राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक के रास्ते पर आज आके ये रास्ता दिखाया हमको, और गांधी जी को प्रति देश के सम्मान होना चाहिए। आज जो केंद्र में बैठी हुई सरकार और उनके लोग गांधी जी के हथियारों का पूजा करते हैं, गौडसे का सम्मान करते हैं, लोग सोशल नेटवर्क में छोड़ रहे हैं गौडसे का चीज़ों को नीलाम करो तो पता चल जाएगा, उसका बंदूक को नीलाम करो तो पता चल जाएगा गौडसे कितना देशभक्त है। अगर गौडसे देशभक्त है तो गांधी जी क्या थे? देशद्रोही थे। तो इस तरह की बातें लोग नहीं करें राष्ट्रपिता के संदर्भ में, जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया, जिन्होंने इतना सुंदर भारतवर्ष बनाने का मार्गदर्शन किया, जिसके आधार पर हमारी संविधान बना और हमारा देश आज विश्व में प्रसिद्ध बन रहा है, उनको नज़रअंदाज नहीं करें। और हमेशा हमने शांति की पथ पर चला है, अहिंसात्मक आंदोलन में नियमगिरी हो कई लड़ाई हमने लड़ा और हमेशा विजय हासिल हुआ है। तो आगे मैं आशा करता हूँ कि केंद्र और राज्य की सरकार इसको ध्यान देंगे, नहीं तो कोस्टल राज्य बनना कोई नहीं रोक सकता।